हेलो गाइस, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो दही पल्ले है वो कैसे बनाए जाते हैं। हमने उड़द की दाल लेके आनी है बिना छिलके वाली, जिसको माह की दाल बोलते हैं, वो लेके आनी बिना छिलके वाली। हमने 30 रुपये की दाल लेके आए थे, 30 रुपये की। इसको हमने अभी पानी में भिगो दिया है, लगभग 5-6 घंटे हम इसको पानी में भिगो कर रखेंगे। उसके बाद इसमें दाल को हम पानी से निकाल लेंगे, 2-3 बार धोएंगे, पानी से निकाल कर रख लेंगे। अभी हम इसको दाल को पानी से निकाल लेंगे, 2-3 बार पानी में धो लेना इसे। तो अच्छी तरह से दाल को हमने धो लिया है। अब इस दाल को ग्राइंडर करेंगे हम, यानी इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से। ग्राइंडर करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो आपको ऐसी ऐसी मेरी नई वीडियो और देखने को मिलती रहे। जो दाल हमारी लगभग ग्राइंडर हो चुकी है, अच्छी तरह से पिस गई है। थोड़ा सा डाला हमने बेकिंग पाउडर से हमने अच्छी तरह से को ऐसे घोलना है, गोल बनाना है, गोल गोल कैसे गोल करना है इसको, इसे घोलते रहना, मिलाते रहना बेकिंग पाउडर को। अब हमें कैसे मालूम हो जो जो मिश्रण है भल्ला बनाने के लिए तैयार हो गया है, इसके लिए एक प्रक्रिया है। हमने एक पानी लेना है एक बर्तन में पानी ऐसे डालकर हम चेक करेंगे कि ये मिश्रण भल्ले बनाने के तैयार हो गया कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा हमने ये डाला है इसे मिश्रण, अगर तो ये पानी में तैरता है तो इसका मतलब क्या है, ये अब भल्ला इसका आराम से बन जाएगा। तो अभी हमने रिफाइंड डाल दिया है गर्म होने के लिए, इसमें हम भल्ले गर्म करेंगे। अभी हमने भल्ले बनाने शुरू कर दिए हैं। मात्र हमने 30 रुपये की दाल लेके आए थे, 30 रुपये की दाल के काफ़ी भल्ले बन जाते हैं आराम से घर में, बढ़िया स्वादिष्ट चटपटे खटमीठे भल्ले बनेंगे। अभी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमने उड़द की दाल, माँ की दाल ली थी बिना छिलके वाली, उसको हम पीस लिए अच्छी तरह से। फिर हम चटनी बनाएंगे पुदीने की, हरे वाली चटनी पुदीने की, और चटनी बनानी इमली की अच्छी तरह से, खट्टी मीठी इमली की चटनी, और दही लेंगे भल्लों के लिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, जैसे जैसे मैंने विधि बतानी है आपको भल्ले बनाने की, वैसे ही भल्ले आपने बनाने हैं। जैसे ये हल्के ब्राउन रंग के हो जाएंगे तो हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे बाहर। जो भल्ले आपके बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेंगे, सस्ते बनेंगे, घर में सस्ते पड़ते हैं और शुद्ध बनते हैं ये भल्ले। ये हल्के ब्राउन रंग के हो गए हैं, अभी हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, जो रेसिपी है भल्ले बनाने की कैसे तैयार की जाती है, बहुत ही आसान तरीका है भल्ले बनाने का। लगभग हमारे भल्ले जो भल्ले हैं बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको कैसे तैयार किया जाए खाने के लिए, ये भी एक अलग प्रक्रिया है। थोड़ा सा हम गुनगुना पानी लेंगे एक बर्तन में, ये गुनगुना पानी है। जितने भल्ले हमने खाने हैं उतने हम पानी में डाल के इसे रख देंगे, पानी में डालकर हमने पानी में डाल दिए हैं भल्ले खाने के लिए। जो बाकी भल्ले बच जाएंगे वो हमने फ्रिज में रख देने हैं, जब आपका मन करे खाने को तब हम उनको इस तरीके से जैसे मैंने पानी में डाले ऐसे ये अपने पानी में डाल के वो तैयार करने भल्ले। अभी हम इन भल्लों को पानी से 2-4 मिनट पानी में रखेंगे, फिर हम इसको पानी में निकाल लेंगे निचोड़ कर, ताकि जो इसमें तेल है वो सारा बाहर निकल जाए। हमने एक बर्तन में दही डाल लिया है। अब हम भल्लों को जो भल्ले बनाए हमने पानी में डाले हुए इसको निकालेंगे निचोड़ कर, ऐसे सारा इसका तेल बाहर आ गया। लगभग हमारे जो भल्ले है भल्ले वाली चाट बन के तैयार हो गई है।
बहुत ही स्वादिष्ट भल्ले बनेंगे। अभी सारे भल्ले हमने से जो जितने खाने हमने ऐसे ही पानी में निचोड़ कर बाहर निकाल के डाल देने हैं इसी बर्तन में दही वाले में। दही आप बाद में डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही डाल दिया ऊपर, उसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी डालेंगे इसके ऊपर, तो हमारे जो पल्ले है वो खाने लायक हो जाएंगे। ये हरी वाली चटनी पुदीने वाली अब खट्टी मीठी चटनी पर डालेंगे इसके ऊपर। ये डाली हमने अभी थोड़ी देर के में, ये डाल दी खट्टी मीठी चटनी अपने इसके ऊपर। अब जो पल्ले खाने के लायक हो गए हैं, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।